दोस्तों, महाराष्ट्र के अंगूर कैसे विदेश में जा रहे हैं, थाईलैंड, चाइना, यूरोप में, वो आज मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे देखिए, ये अंगूर यहां पे कटिंग का काम चल रहा है। अंगूर कटिंग करके यहां पे बकेट में रख रहे हैं। यहां पे बाहर जो है सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और उसके बाद पैकेजिंग कैसे हो रहा है, यहां पे देखिए। यहां से जो अंदर से बाहर आ रहा है उसमें से खराब है, फिर से एक बार कटिंग हो रहा है और छोटा छोटा जो है वो अलग कर रहे हैं, या तो जो क्रैक हुआ है वो अलग कर रहे हैं। उसके बाद उसका वजन होता है वहाँ पे, वो देख सकते हैं, एक बकेट में 4 किलो के आसपास वहाँ पे रखा गया है। और वहाँ से वजन होने के बाद फिर इधर आता है, इधर आके ये जो जिप वाली पॉलीथीन है, ये देखिए जिप खींच दी गई, उसमें अंगूर हो गया और जिप अंगूर जिप लगा के फिर इसमें आता है। ये देखिए, इधर इसमें पूरा भर दिया जाता है, एक पूरे बॉक्स में जो है 8 किलो भर दिया जाता है पूरे तरीके से पैक करके। और दोस्तों, ये पूरा जो ग्रेप्स है ये थाईलैंड जा रहा है, कम से कम 20 से 25 दिन लगता है पूरा इसका जाने में। और ये ऐसे कंटेनर से जाता है तो काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए इसका पैकेजिंग जो है वो एकदम लल्लन टॉप तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना ना भूलिएगा।